हे गाइस, वेलकम बैक टू द एके ब्लॉग्स। गाइस, बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ वीडियो लेके। तो गाइस, ये जो बेसिकली वीडियो है, ये मैंने इससे पहले फेस रिवील वीडियो बनाया नहीं है, तो अगर कोई इसमें गलती हो या मिस्टेक हो या थोड़ा मैं इधर उधर देखूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे आजकल मैं वीडियोस देख रहा हूँ काफ़ी सारे, कि लोग लीगल साइलेंसर्स रॉयल इनफील्ड के बारे में, जैसे कि कंटेंट में आपने पढ़ा होगा कि लीगल और अनलीगल चीज़ें जो भी हैं, तो गाइस लोग काफ़ी ज़्यादा अफवाह फैला रहे हैं कि ये वाला साइलेंसर लीगल है, जैसे कि 3 वूल, सेरेमिक वूल, 3 मफलर और सब। तो गाइस मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, स्टॉक साइलेंसर जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, उसके अलावा कोई भी साइलेंसर जो है आपका, वो लीगल नहीं है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ब्रांड का हो। अगर वो रॉयल इनफील्ड का भी है तो बिना स्टॉक का, आवाज़ वाला या मफलर वाला या सेरेमिक वूल वाला, वो लीगल नहीं है। आप खुद RTO की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं क्या क्या लीगल है क्या क्या नहीं। उसके साथ साथ जो हॉर्न्स हैं, जो एक हॉर्न आपको कंपनी फिटेड आता है वही लीगल है। उसके अलावा दूसरी चीज़, आजकल लोग ये भी बता रहे हैं कि ये वाली लाइट लीगल है, ये नहीं है, तो गाइज ये सब एक गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई भी लाइट कंपनी के अलावा दूसरी लीगल नहीं। बता देता हूँ कि जो लाइट्स हैं, हम क्या करते हैं, हम LED लगवा लेते हैं 95 वॉट्स, 101 वॉट्स की, उससे हमें आसानी से रोड दिख सके, लेकिन गाइज वो दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम है, चाहे हाई बीम हो या लो बीम। आप 75 वॉट्स से ज़्यादा की LED हेडलाइट्स नहीं यूज़ कर सकते। और उसमें एक नोटिफिकेशन ये भी है कि LED के भी टाइप्स हैं। तो गाइज मैंने इतना डिटेल में सर्च नहीं किया हेडलाइट का, क्योंकि प्रॉपरली मेरी बाइक में तो जो नॉर्मल है वही लगी हुई है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि नॉर्मल ही यूज़ करें, अगर LED लगवाते भी हैं तो 75 वॉट्स तक की ही लगवाएं, इससे ऊपर आपका चलान हो सकता है। चीज़, आप लोग गाइस बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करा लेते हैं, लाइक साइलेंसर रैप ऑल थिंग। हाँ, साइलेंसर रैप के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस, मैंने बहुत बाइक्स में नोट किया है, जब आप वो साइलेंसर रैप 1 साल बाद या 2 साल बाद जब उतारेंगे, उसे अनरैप करेंगे, तो वहाँ पे जंग लग चुका होगा, जो कि किसी भी रॉयल इनफील्ड वाले बंदे को या जो लवर है उसे पसंद नहीं आएगा। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान देने वाली होती हैं। और थिंग जो मेरे माइंड में आती है, ये चालान वाली नोटिफिकेशन के बाद, कि चालान के रेट्स बहुत हाई हो गए हैं, तो प्लीज़ बाइक का इंश्योरेंस कराएं। और रॉयल इनफील्ड ने काफ़ी सारी न्यू बाइक भी लॉन्च कर दी हैं, तो उनका वीडियो भी जल्दी से आपके लिए लेके आऊँगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें गाइस, आगे मैं लास्ट में एक आपको चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके बहुत काम की है इस दौरान। अगर आप बता ही देता हूँ, जो भी आप रॉयल इनफील्ड खरीद रहे हैं उसमें देखिए काफ़ी अच्छे वेरियंट आए हैं 350 में, जो कि काफ़ी बढ़िया हैं। आगे उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। और गाइस मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि डिफरेंट होना चाहिए कुछ चैनल पे। काफ़ी टाइम से रॉयल इनफील्ड से ही रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं, और हम करोलबाग भी विज़िट करेंगे कुछ दिनों में, आपको दिखाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, क्या क्या लग सकता है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, जो कि लीगल है। अभी तो बहुत सारे लोग मैंने यूट्यूब पे देखा अफवाह फैला रहे हैं ये लीगल है, तो लीगल कोई साइलेंसर नहीं है। आपको फिर दोबारा बता दूँ, लीगल कोई सा साइलेंसर नहीं है, सारे ही इलीगल हैं। हमारे लिए भी और आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि स्टॉक साइलेंसर ही यूज़ करें, बाकी आपकी मर्जी। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, वीडियोस अब हर संडे या वीक में 2 या 3 आती ही रहेंगी और आएंगी। और गाइस अपनी जो रॉयल इनफील्ड के आप कागज़ हैं, इंश्योरेंस, इनवॉइस, पॉल्यूशन जो है, प्रॉपर लेकर चलें, क्योंकि किसी भी मोड़ पर कहीं पे भी चलान हो सकता है। तो आपसे बस इतना ही बताऊंगा कि बहुत हैवी, बहुत ही ज़्यादा चलान कट रहे हैं, सो प्लीज़ केयरफुली चलें, अच्छे से चलाएं। और राइडिंग गियर्स आप जो है वो पहन सकते हैं, वो लीगल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक साइलेंसर जो बाइक्स में आ रहे हैं कंपनी फिटेड, वही लीगल हैं, उसके अलावा कोई नहीं। जैसे कि मैं पहले 2-3 बार बता चुका हूँ सेम वीडियो, ये वीडियो आज की उसी के ऊपर है। साइलेंसर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें लोग बोल रहे हैं कि ये वाला लीगल है, ये नहीं है, ये वो फलाना ढमकाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने बता दिया वही लीगल हैं, बाकी कुछ लीगल नहीं है, ओनली स्टॉक कंपनी फिटेड जिसपे नंबर होता है। अगर उसके अलावा किसी भी आप साइलेंसर के साथ पकड़े जाते हैं, तो आपको 5 से 6-7 हज़ार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। और सेकेंड थिंग, आजकल चालान का जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू आ रहा है, आपको उस टाइम नहीं भरना, ऑनलाइन भरना है, बस वो आपका लाइसेंस जब्त कर लेते हैं, देन फिर आपको लाइसेंस 2 या 3 दिन बाद चालान भरने के बाद मिलता है।
सो गाइस, बस इतना ही बताऊंगा, इतना ही चाहूंगा मैं अपने एंड से कि आप लोग सेफ रहें, आप लोग अलर्ट रहें, क्योंकि मार्केट्स में बहुत सारे फ्रॉड केसेस देखने को सुनने को मिलते हैं डेली बेसिस पे, ये साइलेंसर वो, क्योंकि हम लोग रोला ब्लॉग जो है वो उसी के ऊपर आएगा कि क्या करोल बाग में बिक रहा है, क्या मिल रहा है, लाइट्स वगैरह। और गैस हाँ, जो ब्लिंकर्स हम लोग लगा लेते हैं वो भी अगर आप गांव पेंट वगैरह में रहते हैं तो ठीक है, दैट्स ओके, बट अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में डेली अप डाउन कर रहे हैं तो उस पर भी चलान है, तो थोड़ा सा अगर आप अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, फॉग लाइट्स, फॉग लाइट्स भी अलाउड नहीं है गाइस, लोग काफ़ी फॉग लाइट्स लगा रहे हैं, मैंने देखा न्यू परचेज ले बाइक लेके आते हैं, फॉग लाइट्स लगवाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिए, उस पर भी चलान है, फॉग लाइट्स के ऊपर भी अगर आपने चलानी है तो आप उस अगर लगवाई हुई है तो उसके ऊपर ब्लैक कपड़ा या कुछ डालकर चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसी तरह मिलते रहेंगे, अब वीडियोस आया करेंगी, और बहुत सॉरी बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जो रेड कलर का बटन है उसे क्लिक करते रहें जब तक वो सब्सक्राइब ना हो जाए, साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑन कर दीजिए, और आप लोगों का प्यार चाहिए गाइज। और एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगा, मेन जो मेरा मोटिव है वो व्लॉगिंग का ही है, तो ये पहला वीडियो है, तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट एक प्यारा सा छोड़ेंगे तो और अच्छा होगा गाइज। थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है एडिटिंग वगैरह में गाइज, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, तो गलती प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर कुछ ऐसा होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज मेहनत मेरी, प्यार आपका, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।